मैं सिर्फ यह जानना चाहूंगी 24 के लिए आप लोगों को बहुत कम समय दिया है एक तरीके से चुनौती के तौर पर है विधानसभा का चुनाव और लोकसभा में खुद को परफॉर्म करके दिखाना कितनी बड़ी चुनौती लग रही है और कहां पर उम्मीद टिकी हुई है कि हर चुनाव एक चुनौती होती है हर चुनाव एक युद्ध जैसा होता है लेकिन युद्ध जो लड़ा जाता है ना ये हौसले से लड़ा जाता है और जो सेना नायक होते हैं उनके भरोसे लड़ा जाता है तो बीजेपी में हौसला भी बहुत है और हमारे नायक ये महानायक है प्रधानमंत्री मोदी जी और भारत की जनता का उनके ऊपर प्रेम है भारत की जनता चाहती है कि मोदी जी वापिस आए हाँ। इसलिए हम चुनाव जीतेंगे अच्छे तरीके से जीतेंगे पिछले बार से अच्छा परफॉर्म करेंगे लेकिन हम कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहते हम ये नहीं कहते कि सिर्फ मोदी जी का नाम है इसलिए हमको वोट दे दीजिए हम उतनी मेहनत भी करेंगे हम लोगों में अपना वजूद भी करेंगे तैयार तो देवेंद्र जी जैसे कहा जा रहा है कि पूरे देश में अगर कोई एक बॉस है तो वो नरेंद्र मोदी है तो क्या ये मैं मानू कि जो स्टेटमेंट आ रहा है वो सुपर सीएम की तरफ से आ रहा है मैं सुपर सीएम नहीं हूं बिल्कुल भी नहीं हूँ मेरे स्टेट में एक ही सीएम है वो एक नाथ शिंदे जी है उनके मंत्रिमंडल का एक मंत्री जिसको डिप्यूटी सीएम का पद दिया गया है वो मयो बॉस एक ही है अरे मैं नहीं कह रहा हूं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि देर इज ओनली वन बॉस